अपनी आंखों की ज्योति को खोना चाहती हूँ, क्योंकि बेटी नाशवान संसार है। इस संसार में जो आया है उसे जाना अवश्य होता है बेटी, क्योंकि किसी कवि ने लिखा है कि पांच तत्व का खेल बिगड़ के और निकड़ी आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा सामने पंछी पैर पसार गया। कि नाशवान संसारी अजब तो दिन का रैण बसेरा है और जिसको अपना समझ रही तू ये घर मेरा ना तेरा है। बेटी इसकी उम्र पूरी हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूँ और इसके प्राण लेकर के जाऊंगा। तू अपने घर वापस लौट जा बेटी सावित्री। नहीं अमराज जी, जब तक आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दोगे जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपको मेरे पति के प्राणों को वापस देना ही होगा। नहीं बेटी सावित्री, इस सृष्टि के नियम है कि संसार में जो भी आया है उसे जाना होता है। इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, इसके प्राण मैं लेने के लिए आया हूँ और वो लेकर के जाऊंगा। नहीं, अगर आप मेरे पति के प्राणों को मुझे नहीं दे सकते तो हे यमराज जी, मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ जी यमराज जी। कह करके बताइए बेटी। हो मेरी अरजी सुनो या मेरा जिया जी, कुछ रहम मेरे चाले मेरे आला।
बेटी सावित्री, मुझे लगता है तेरी बातों से तू वाक्य में ही बहुत ज्यादा परेशान है। तेरे पति के सिवा इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है। बेटी सावित्री, मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। क्या महाराज? कि दुनिया की कोई भी अनमोल से अनमोल चीज तू मुझसे मांग सकती है, लेकिन तेरे पति के प्राण में हरगिज वापस नहीं दे सकता। अगर अपने पति के प्राणों को छोड़कर मैं आपसे कुछ और मांगू तो क्या आप मुझे दोगे? बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ। तो कहिए यमराज जी, सुन ले मेरी बात। कभी नहीं मैं डालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं दावत नोतालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं दावत नोत महाराज, मेहर कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और।
हाथों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा हुआ यमराज जी। छल से लिया मंत्री ने, छल से लिया मंत्री ने, वो है वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। तीसरा भी दे रहा हूँ बेटी, करिए। वचन तीसरा, जा वचन तीसरा, करी कोक से तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा करी कोक से तुझको बेटा प्यारा दिया। बेटी सावित्री जी, तूने कहा मुझे तीन वचन चाहिए और तीन वचनों में ये खुशियां चाहिए। जो तेरे सास ससुर हैं वो आंखों से अंधे हैं, उनकी रोशनी मिलनी चाहिए। वचन दूसरा, जो मंत्री चौड़ाई ने छल कपट धोखे के साथ तुम्हारा राजपाट छीन लिया, वही राजपाट तुम्हें वापस मिलना चाहिए, या वही राजपाट। वचन तीसरा, उस राजपाट का राजा बने, तुम्हारे आगे चलकर के बुढ़ापे का सहारा बने, तुम्हारी कोख से एक सुंदर सा बेटा पैदा होना चाहिए। जी यमराज जी। तो बेटी सावित्री, ये तीन वचन मैंने दे दिए हैं, अगर और भी कुछ मांगना हो तो कह दीजिए, नहीं तो तथास्तु कहने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपने ये तीनों वचन पूरे कर दिए? बिल्कुल कर दिया, मैं चलता हूँ। क्या तीसरा वचन आपने सोच समझ के दिया है? बिल्कुल सोच समझ के दिया है बेटी। अगर आपने तीसरा वचन सोच समझ के दिया है तो आप अभी नहीं जा सकते। लेकिन बेटी बात क्या है, जाना तो मुझे होगा। आप नहीं जा सकते क्योंकि आपने मेरा तीसरा वचन अभी पूरा नहीं किया। नहीं किया? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे बताइए। ख्याल करो हो रे राम बैसले हो, ख्याल करो हो रे राम बैसले, अकल ठिकाने लियो रे। आपने तीसरा वचन सोच समझ के दिया था? बिल्कुल सोच समझ के दिया है मेरी लाडो। बिना पति के, बिना पति के, पतिव्रता के कैसे बेटा हो, समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, वचन हारो न डर, मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज, वचन हारो यो, मेरा पति जीवाओ रे। बेटी सावित्री, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ में? मैं जिस बात से डर रहा था वही धोखा तूने मेरे साथ में कर दिया। मैंने आपको इशारा भी किया था कि क्या आपने तीसरा वचन सोच समझ के पूरा किया है? आपने कहा सोच समझ के पूरा किया। हाँ है। बेटी, मैंने तो सोच, अगर आपने सोच समझ के मेरा तीसरा वचन किया है तो पूरा कीजिए। क्या आप ये भूल गए थे कि मैं एक सती स्त्री हूँ और मेरे पति सत्यवान जति मर्द है? अरे जब सती स्त्री का जति मर्द इस दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर एक सती स्त्री को औलाद कहाँ से हो जाएगी? बेटी सावित्री, मैं तो तेरे दुख में विलीन हो करके, मैंने तो अपनी धर्म की बेटी समझ करके तुझे ये हंसी खुशी तीन वचन दे दिए थे, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि बेटी वचनों में बांध करके तू मेरे साथ में इतना बड़ा छल कपट करेगी। मैंने कोई छल नहीं किया, मैंने कोई धोखा नहीं किया। जिन चीजों की मुझे जरूरत थी मैंने वो ही आपसे मांगी है। लेकिन मेरा वचन पूरा कीजिए यमराज जी। मैं ये वचन पूरा कैसे करूं? अगर ये वचन पूरा नहीं कर सकते तो मेरे पति को जिंदा कीजिए। मैं तेरे पति को भी जिंदा नहीं कर सकता। अगर मेरे पति को जिंदा नहीं कर सकते, आपकी बातों पर से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। धन हो बेटी सावित्री, और धन हो तेरे उन माता पिताओं को जिन्होंने पाल पोस करके तुम्हें इतना बड़ा किया, और धन हो तुम्हारी बुद्धि प्रवीण को जो बात ही बातों में यमराज महाराज को फंसा दिया, यमराज महाराज से अपने पति को जीवित करा दिया। ये होता पति धर्म और ये होता पत्नी धर्म। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए सावित्री के लिए। सजनो, ऐसी थी वो पति, ऐसे थे वो सावित्री पत्नी जिन्होंने यमराज महाराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया और अपने पति को जिंदा करा लिया। हे बेटी सावित्री, फंसाने से पहले निकालने का रास्ता भी तेरे पास होगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरा वचन भी पूरा हो जाए और इस संसार के सामने मैं झूठा भी ना साबित हूँ, ऐसा कोई यत्न बताइए। आप मुझे बेटी कहते हो? बिल्कुल कहता हूँ। तो बेटी के नाते एक उपाय बताने को तैयार हूँ। बताइए बेटी सावित्री। आप कहते हो कि आज मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। तो यमराज जी ये बताइए कि इस आपकी बेटी सावित्री की आयु कितनी बाकी है? बेटी सावित्री, तुम्हारी आयु तो बहुत बकाया है। अगर मेरी आयु बहुत लंबी बाकी है हाँ, तो एक काम करिए यमराज जी। कौन सा काम? जितनी भी मेरी आयु है हाँ, मेरी उस आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दीजिए। धन हो बेटी सावित्री। जब आप मेरी आधी उम्र आधी आयु मेरे पति को दोगे तो मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे
आपका तीसरा वचन भी पूरा होगा, जब मेरे पति जीवित होंगे तो हमारे कोई संतान भी होगी, और जब हम दोनों की उम्र बराबर होगी तो यमराज जी एक काम और अच्छा होगा। वो कौन सा? वो ये होगा कि जब सत्यवान सावित्री की उम्र बराबर होगी तो सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ और सत्यवान सावित्री एक दिन मरेंगे साथ साथ। धन हो बेटी, मुझे तेरे वचन भी पूरे करने का मौका मिला और इस संसार से झूठा होने से भी मौका मिला। और सुन मेरी बात, हो यम राज हुए लाचार, यम राज हुआ लाचार। सुनो